नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम ले चलेंगे आपको बहरा पार्क में, जो कि सिंघरामऊ के पास है, जस्ट मार्केट से बस 1 किलोमीटर दूरी पे है। आज हम लोग आपको ले चलेंगे बहरा पार्क का पूरा व्यू दिखाएंगे। ये देखिए रास्ता, ये बहरा पार्क जाने का, बस सड़क के बस राइट लेफ्ट साइड में है, अगर ढकवा से आप आ रहे हैं तो। देखिए गाइस, हम पहुँच गए हैं आज बहरा पार्क में। देखिए पूरा हरा भरा एकदम दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप आइएगा कभी घूमने यहाँ, यहाँ विश्राम की जगह है, टहलने की जगह है, आते हैं लोग यहाँ से। ये जो स्कूल के बच्चे भी यहाँ आते हैं, बगल में ही स्कूल सिंघरामऊ में ना है, राजा हरपाल सिंह इंटर कॉलेज, वहाँ से बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे घूमने मन शांति के लिए। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन बनाया गया है इसका। ये कम से कम होगा 50 हेक्टेयर में, जो कि आपको हम आगे दिखाएंगे, वहाँ पे लिखा भी गया है। कई प्रकार के यहाँ फूल पौधे पेड़ सब कुछ हैं, आप आइए कभी घूमिए। ये देखिए फूल बहुत प्यारे लग रहे हैं, इस कौन सा फूल बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग, प्यारा लग रहा है बहुत। चलिए आपको हम ऐसे चीज़ें दिखाते रहेंगे बीच बीच में। ये देखिए सामने लेफ्ट साइड में दिख रहा है, वो विश्राम करने के लिए, मतलब आएँ तो बैठ जाएँ। चलिए आपको हम पास से दिखाएँगे अभी थोड़ी देर में। ये देखिए, ये देख सकते हैं पूरा बहुत सी घास, यहाँ पेड़ पौधे बहुत चीज़ है। चलिए हम आपको थोड़ा अंदर लेके चलते हैं। देखिए गाइस बहुत प्यारा बनाया गया है यहाँ पे, यहाँ पे आप आके ब्लॉग शूट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। बहुत से लोग आते हैं यहाँ ब्लॉग शूट करने, वीडियो बनाने, कॉमेडी बनाने, अपने यूट्यूब चैनल के लिए, वीडियो के लिए, नए नए कॉन्टेंट के लिए। आपको दिखाएंगे ये जो कि ये बल्लापुर से होगा वही 7 किलोमीटर कम से कम, आइएगा कभी घूमिएगा यार। जैसे जो जो पेंट किया गया है पेड़ पौधों पे, ये वन विभाग के संरक्षण में आ गया है। जिस पेड़ पे यहाँ कर दिया गया है वो वन विभाग के अंतर्गत आ गया है। ये हमारा झंडा है, जय हिंद, हमारा झंडा लहरा रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। वही हम आपको अनेकों चीज़ दिखाएंगे जो कि बहुत प्यारी लगती हैं। धीरे धीरे आप देखते रहिए, नज़ारा अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दिया करिए, चैनल को लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगे हम कि अगली वीडियो लाएंगे आपके लिए। बहुत प्यारा, ये कम से कम 50 हेक्टेयर में, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, है कम से कम। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं विश्राम करने की जगह। देखिए बस जब बगल में ही है विश्राम करने की जगह, आप यहाँ आके बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, थोड़ी देर आनंद ले सकते हैं, मन को हल्का कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया, पहले भी बताया था कि विश्राम करने के लिए सिर्फ एक नहीं, बहुत से टाइप के बनाए गए हैं यहाँ पे, कई जगह। जैसे ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं आप, ऐसे ही बहुत प्यारा बनाया गया, एकदम खूबसूरत लगता है कि अच्छा लग रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, इस समय बारिश का माहौल था जब वीडियो शूट किए थे, बहुत पुराना वीडियो हो गया था, लेकिन आज मन किया तो डालने का, तो अपलोड कर देंगे। देखिए सामने नज़ारा बनाया गया है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के माध्यम से, देखते रहिए वीडियो में बने रहिए आप लोग, पूरा नज़ारा दिखाएंगे आपको बहरा पार्क का, पूरा हर एक चीज़। यहाँ पे आके आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ये जो यहाँ थोड़ा बस थोड़ा नहर टाइप बन गया, मतलब गड्ढा हो गया, तो इसलिए बनाया गया ये पुल छोटा सा पार्क के लिए। देखिए अंदर का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से बहुत खूबसूरत लगता है। आप आइएगा कभी, पास से देखिएगा तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देखिए हम आगे चलते हैं, आपको दिखाएंगे अनेकों चीज़। देखिए सामने बाउंड्री टाइप बनाई गई है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जैसे पेड़ पौधों को क्षति ना पहुँचे कोई कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है, वृक्ष धरा का भूषण करता दूर प्रदूषण, बहुत बड़ी अच्छा लगाया गया है, बहुत बढ़िया बनाया गया है। ऐसे लिख दिया जाए अगर समझने वाले समझे तो कितना प्यारा लगेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लगा दिया गया है बाउंड्री जब से लगी है। ये देखिए बच्चों के लिए बनाया गया, यहाँ पे बच्चों खेल सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, बच्चों के लिए बनाया गया खास करके, बच्चों के लिए अनेक चीज़ बनाई गई हैं। आप आएंगे कभी दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा, हम लोगों को बार बार बोलेंगे वो लोग कि हमें चलना है वहीं पे, घूमना है, खूबसूरत लगता है ऐसा सब। इसके बाद हम आपको दिखाएँगे अनेकों चीज़, नदी दिखाएँगे अभी हम आपको, पीली नदी दिखाएंगे क्योंकि पहतियापुर में है।
इसे हम लोग पहतियापुर का बहरा पार्क बोलते हैं, बहरा पार्क का नाम है इसका, लेकिन पहतियापुर में लगाता है, ये गांव पड़ता है पहतियापुर। ये देखिए इसमें सड़कें बनाई गई हैं बहुत अच्छी तरीके से पार्क में। इसका जब रिनोवेशन हो गया है अब थोड़ा अच्छा लगता है और भी। ये देखिए इसमें छोटी सी गेट भी बनाई गई है बाउंड्री के अंदर, जिसे लॉक कर दिया जाए, अंदर कोई जा ना सके, जाना चाहे तो खोल के जा सकता है, लेकिन ऐसे मतलब क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए किसी को। देखिए अच्छा बनाया गया पूरा, यहाँ पे हर एक चीज़ अच्छी लगेगी आपको। इसकी जस्ट बगल में यहीं थोड़ी दूर पे है हनुमान मंदिर इच्छापूर्ति, आप लोग आ सकते हैं वहाँ पे भी घूम सकते हैं। देखिए स्टार टाइप बनाया गया है यहाँ पे, अच्छा लगता है। चलिए गाइस आपको दिखाते हैं हम बहुत सी चीज़ें, नदी दिखाते हैं, गुंबद दिखाते हैं, ये पेड़ पौधे छापे गए हैं वहाँ पे। ये देखिए गुंबद बैठने के लिए एकदम बहुत प्यारा जगह बनाया गया है, यहाँ पे कुर्सी भी लगी है, आप आके चाहे बैठ सकते हैं। देखिए बैठे भी लोग हैं यहाँ पे, ये देखिए बहुत प्यारा बनाया गया। चलिए हम आपको दिखाते हैं नदी, आपको हम नदी में कई और चलते हैं यहाँ से, इसे बोलते हैं पीली नदी। देखिए छोटी सी नदी है, बगल में गई है, बहुत प्यारा लगता है। आइएगा आप लोग कभी घूमिएगा। आपको थोड़ा हम पास से दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ा जंगल है, कांटे अंदर से जाएंगे। देखिए गाइस यहाँ से पास से थोड़ा देख लीजिए आप लोग, यह है पीली नदी। इसके बाद हम चलेंगे, चलिए गाइस चलते हैं हम। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ऐसे ऐसी वीडियो देखने के लिए। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सामने बेल आइकन जो है बेल आइकन जरूर दबाना, ऐसी ऐसी आपको वीडियो मिलती रहेगी। चलिए गाइस मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग।